हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एसीए फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 19, 24 और 44 का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 19 को यहाँ पे लिखेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर के नहीं होगा, हम यहाँ पर 2 फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में 19 नहीं आता, 3 के टेबल में 19 भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी 19 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 19 नहीं आता। तो 19 एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि 100 तक अगर कोई नंबर 2, 3, 5 या 7 के टेबल में नहीं आता, इसका क्या मतलब होता है, वो फिर प्राइम नंबर होता है, वो अपने टेबल में ही आता है। तो हम यहाँ पे 19 ही ले लेंगे, 19 आ जाएगा। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 24 को यहाँ पे लिखें। अब देखें लास्ट डिजिट इसका क्या है, इवन है ना, 4 इवन है। 2 के टेबल में 4 आता है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है चेक करने के लिए, तो उसका लास्ट डिजिट चेक करें, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 या 8, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई होता है ना, इसका क्या मतलब है, ये पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 एक नंबर है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, इनमें से है ना, इसका क्या मतलब है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार, फिर 2 ले लेंगे, 2 के टेबल में 12 आता है 6 ज़ार, 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़ार। अब यहाँ पे 2 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 ज़ार 3। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 44 के, 44 का लास्ट डेट चेक करें, 4 है इनमें से, है ना, इसका क्या मतलब है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार, 22 आ गया। फिर 2 ले लेंगे क्योंकि इसका लास्ट डेट 2 है, इनमें से है ना, 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, 2 1 ज़ार। अब 11 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 2, 3, 5 और 7 के टेबल में नहीं आता, ये अपने टेबल में ही आता है, 11 1 ज़ार 11 आ गया। फिर आपने यहाँ पे लिखना है फैक्टर्स ऑफ 19, फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 44, एसीएफ ऑफ 19, 24 एंड 44 जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद 19 के प्राइम फैक्टर्स 19 ही आ रहा है, 24 के ये सारे आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 44 के आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। और एसीएफ इसमें क्या होगा, एसीएफ में ये होता है जो कॉमन निकल रहा है, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए एसीएफ प्रीवियस वीडियोस में मैंने फाइंड आउट किया था, उसमें देखिए ये फैक्टर्स आते हैं जिसी तरह, जैसे हमने अभी फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं प्राइम फैक्टर्स, तो जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से कॉमन जो होता है, तो कॉमन ये और ये, तो इन दोनों को लिख के मल्टीप्लाई कर देना, तो एसीएफ आ गया। तो अब जो हम लोग अब कर रहे हैं उसकी क्या सिचुएशन, उसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, जैसे उधर 2 इधर है, इधर है तो इधर भी होता तो एक 2 कॉमन आ जाना था, लेकिन 2 इधर है, इधर है, इधर तो नहीं है, तो एसीएफ में ऐसा नहीं होता कि हम कॉमन ले लें। एलसीएम अगर होता, हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो तो एलसीएम ऐसे आ जाता, 2 नंबर का ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर का फिर एसीएफ क्या होता है, फिर हम कहेंगे इन तीनों नंबर का एसीएफ है 1, कुछ कॉमन ही निकला तो आपने कह देना उसका एसीएफ 1 आ गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि एसीएफ बाय जो है डिवीजन मेथड क्या होता है। तो एसीएफ बाय डिवीजन मेथड ये है, मैंने इस पर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट मेरे चैनल की, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड सिंपल डिवाइड नहीं होता, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो वो एसीएफ बाय डिवीजन मेथड है, ये एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।